ये दोहा का ही है, यहीं का 3 रियाल यानी 66 रुपया हुआ इंडिया का। और देखिए ये 8 रियाल, यहाँ पे देखिए जैतून का अचार। ये रहा मोबाइल सेक्शन, लैपटॉप वगैरह। यहाँ पे कौन सा कंपनी का चाहिए वो आपको मिल जाएंगे मोबाइल, यानी हर राशन जो खाने पीने का सामान है वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। स्वागत है आप लोगों का और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ सऊदीया सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट है वो, उस मार्केट में चल रहे हैं। कुछ सामान उमान लेना है अपना खाने पीने का, तो दोस्तों चल रहे हैं अभी। ये सेम गाँव और देहात का जैसा एरिया है जहाँ हम लोग 2 आदमी हैं और साइकिल से जा रहे हैं अभी। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल आप ये साइड साइड में घर है और ये साइड में देखिए अपना अपना कार सबका रखा हुआ है। तो ये प्योर कतरी का भी नहीं है, ये भाड़े पे दिया हुआ है। जो यहाँ का लोकल कतरी आदमी है उसका इलाका ही अलग है। हम लोग साइकिल से जा रहे हैं, देखिए 2 आदमी, एक आदमी और है साथ में मेरा, तो उसी ने कहा कि चलिए साथ में जाएंगे, काम है कुछ सामान वामान लेना है, क्योंकि घर जाने वाला है, मुल्क जाने वाला है। तो इसलिए देख सकते हैं ये पूरा एरिया है, तो साइकिल से जाने में कोई ख़तरा नहीं है, आराम से जा सकते हैं आप। बिल्कुल यहाँ गांव जैसा इलाका है, देहात जैसा, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ ये बीच में रोड दिया गया है, ज़्यादा गाड़ी चलता नहीं है। बाकी ये एरिया पूरा, ये इलाका आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ का इलाका है बीच का। ये देख जा रहे हैं साथ में भी, चारों तरफ इसका इलाका देखिए, यहाँ का घर देखिए। ये माइदर का ये बड़ा लाइन है और अभी आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है, 9 बज रहा है, तकरीबन 9:15 हो रहा है। और देखिए तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। ये रहा सऊदीया हाइपर मार्केट, तो ये हाइपर मार्केट है सऊदीया, और ये कतर से ब्लॉग बना रहा हूँ। ये रहा मोबाइल सेक्शन, लैपटॉप वगैरह। यहाँ पे कौन सा कंपनी का चाहिए वो आपको मिल जाएंगे मोबाइल, एप्पल फ़ोन से लेके सारे के सारे भाई, काफ़ी महंगे और काफ़ी एक से एक महंगा फ़ोन है और सारे कंपनियों का मौजूद है। तो ये पूरा जो एरिया है वो मोबाइल और घड़ियों का है, देखते हैं सारे घड़ियों का। ये देखिए, और बाकी लोकल सामान जो है वो एयरफोन हुआ, चार्जर हुआ, ये सारे चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, देखते हैं। तो ज़रा इसका प्राइस देखिए, 1199, 1199 रहा, लेनोवो कंपनी का है। और इसी तरह से 599 का एक सस्ता सस्ता, ये हो गया आपका 3099 रियाल, 70,000 रुपया हुआ इंडिया का। इसी तरह से हर कंपनी का मौजूद है, लेनोवो कंपनी का ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए ये टैब है, और इस टैब का रेट देखिए 599, 499, कंपनी हुवाई कंपनी का है। चलते हैं अब ऊपर के सेक्शन में, तो यहाँ इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक पूरा सामान मिलते हैं हर तरफ एक सेक्शन में। सबसे ऊपर में ये लोग कपड़ा रखे हैं, बाकी ये बीच का लाइन है, ये बीच का लाइन में ये हर तरह के देखिए डब्बे, हर तरह का सामान, ये बीच अल्मोनियम का कढ़ाई, छोटे बड़े हर साइज का, ये बड़े बड़े चूल्हे और ये बड़ा बड़ा डिक्चा, वहाँ की केतली प्लेट वगैरह। देखिए ये चमकता धमकता बर्तन गोल्ड कलर का, यहाँ पे सारे ब्लैंकेट वगैरह, जितने सारे डबल सिंगल ब्लैंकेट हैं सारे इस यहीं पे मिलते हैं। तो अभी यहाँ आया हूँ मैं ये सब्जी का लाइन में। ये देखिए यहाँ पे सब्जी मिलते हैं अपना, ये दोहा का ही है, यहीं का 3 रियाल यानी 66 रुपया हुआ इंडिया का। और देखिए ये 8 रियाल, तो आप 22 के हिसाब से, एक का 22 के हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। ये देखिए कैरेट, ये ऑस्ट्रेलिया का वाइट प्याज है, और यह है ऑस्ट्रेलिया का ही ये ब्राउन कलर का प्याज है। कैरेट का देखिए 6 रियाल,
अच्छी तरह से। ये ककड़ी वगैरह टमाटो 4500। ये रोटी का पैकेट मिलता है, इसमें 10 पीस रहते हैं। ये हर जगह का देखिए, चाइना का, ये हल्दी इंडिया का है, श्रीलंका का, इंडिया का, ये देखिए, ये बांग्लादेश और इंडिया का मिला जुला यहाँ पे सारे। तो हर नेपाल का भी है, श्रीलंका का भी है, चाइना का भी है और इंडिया का भी है। ये देखिए ईरान का, कतर का, ओमान का, ईरान का, दोहा का, तो हर जगह का सब्जी मौजूद है और बहुत सारे सब्जी मिलते हैं, बहुत हर टाइप का सब्जी मिलता है यहाँ पे। देखिए चावल मिलते हैं, तेल, यानी हर राशन जो खाने पीने का सामान है वो इसी लाइन में है। सूखा मछली वगैरह तो हर टाइप का यहाँ पे, तेल, जैतून का तेल, घी वगैरह, नारियल का तेल, ये खाने का नारियल का तेल है। बाकी देखिए ये पूरा मीठा तेल यहाँ पे हो गया आपका जनरल सामान, खाने पीने के सारे सामान, ड्रिंक वगैरह पूरा, वेजिटेबल, ये फ्रूट वेजिटेबल सारे एक जगह मिलते हैं। देखिए आम और सामानों का रेट देखिए, ये देखिए पपीता, पपीते का 11.5 रियाल, 200 से ऊपर हुआ रेट किलो का। और इसी तरह से देखिए पाइनएप्पल का 5.5 रियाल है, 110 रियाल तक हुआ अभी। यहाँ पे ये ऑरेंज देखिए, ये अपना इंडिया का 110 रियाल किलो हो। ये प्याज वगैरह देख लीजिए यहाँ पे 2.5 रियाल किलो है। ये आम का रेट देख लीजिए, 300 रुपया किलो हुआ, ये 240 रुपये। तो अभी आ चुके हैं ड्राई फ्रूट सेक्शन में। ये देखिए मैं अभी काजू ले रहा हूँ यहाँ पे 1/2 किलो बड़ा पीस का, तो और 1/2 किलो बादाम ले रहा हूँ, आलमंड। तो यहाँ पे भी अभी ऑफर चल रहा है, एक बनियान ले आया हूँ यहाँ पे देख लीजिए, ये कपड़ों का सेक्शन है पूरा। तो ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, इस मार्केट के बहुत सारे ब्रांचेस हैं सऊदीया हाइपर मार्केट का, ये बहुत बड़ा है, हो सकता है इससे भी बड़ा है, मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन 2-3 को मैं इससे पहले देखा हूँ तो वो इससे छोटा है। यहाँ बच्चों का कपड़ा मिलते हुए हर तरह के, छोटे बच्चों के लिए, लड़का लड़की, हर तरह के जूते मिलते हैं यहाँ पे। यही मार्केट में अपना हम लोग मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि और दूसरा मार्केट में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो इस मार्केट में ठीक ठाक है। बच्चों का यहाँ पे साइकिल वकिल, बाकी यहाँ टोल वोल देखिए बच्चों के लिए, बाकी ये लेडीज़ का बैग वग देखिए, देख सकते हैं पूरा लेडीज़ का हैंडबैग एंड पर्स वगैरह, लेडीज का सारे कॉस्मेटिक का जितने सारे सामान होते हैं यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे औरतों का, लड़कियों का हर तरह का सामान मिलते हैं यहाँ पे, कपड़े कपड़े उस तरफ है, बुरका वगैरह पूरा लेडीज़ का, कमीज कमीज कपड़े सारे जी लिया दोस्तों हम लोगों ने। अभी देखिए अभी इसका बिल देना है, ये देखिए ये लिया हो 114 रियाल में, तकरीबन 2500 हुआ इंडिया का। अब चलेंगे काउंटर में, बिल देना है जाके। तो भाई यहाँ पे काउंटर है, 3 काउंटर 4 काउंटर है, यहाँ पे बिल देना है अपना को और जाना है। तो दोस्तों अभी काउंटर में इसका बिल पे कर चुका हूँ, अभी सामान वामान ले लिया हूँ, तो अपना साइकिल में सामान भी रख दिए हैं। तो अभी थोड़ी देर यहाँ रुका हुआ हूँ, हम लोग ये चिप्स खा रहे हैं यहाँ पे, करेले का चिप्स है, तो थोड़ी देर यही खा पी रहे हैं, उसके बाद चलेंगे फिर अपने रूम की तरफ। तो भाई मार्केटिंग तो हो चुका है, अब चलेंगे अपने रूम की तरफ। तो दोस्तों अपना ब्लॉग भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए मुझे और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को।